तो इस वक्त मैं वासे टीम के साथ हूं और आप सभी को बताना बहुत जरूरी है, वुमेन अगेंस्ट सोशल इविल्स जो कि ये केस के साथ बहुत ताल्लुकात रखता है और इनसे हम लोग कुछ जानकारी लेंगे। और उनके जो है ओलिव जो मुखर्जी है, उनके मम्मी ने क्या क्या कहा, हमने उसको भी निकालने की कोशिश की है। अभी हम ये जो वुमेन अगेंस्ट जो सोशल इविल्स है, यहाँ इसके टीम के हम यहाँ पर पहुँचे हैं। खबर ये था कि इन लोगों का ऊपर ये आरोप था कि जो ओलिव जो मुखर्जी है, 28 शाम को जो है इन लोगों के तरफ से पकड़ा जाता है, तो कुछ इनसे भी हम लोग जानकारी लेंगे। मैडम, आप सभी को सबसे पहले अरुण भूमि न्यूज़ चैनल में स्वागत करता हूँ। तो मैडम, मेरा सवाल ये है, ये वास्य जो है कब आप लोग को यहाँ पे मतलब इस्टेब्लिश हुआ था और क्या काम करते हैं आप लोग शॉर्ट में? हम लोग 2011 से हम लोग ये काम शुरू कर किया है और हम ड्रग्स का अगेंस्ट में जी फाइट करते हैं। एल्कोहल ड्रग्स माने जो आप अभी सबको तो पता है ड्रग्स क्या चीज़ है, एल्कोहल जो सोशल इविल्स है उसके अगेंस्ट में हम लोग फाइट कर रहे हैं। 2011 से इस्टेब्लिश होने के बाद अभी तक आप लोग का जो रजिस्टर के मुताबिक कितने लोगों को आप लोग ने पकड़ के रिहैब सेंटर में डाला? वो तो हम तो गिनती नहीं की, बहुत सारा। हाँ, हम कभी किसी को भी पकड़ के नहीं डाला है। हम काम कर रहे हैं लेकिन हम किसी को भी पकड़ के नहीं डाला। उनका मम्मी का जो आरोप था कि आप लोग ने पकड़ा था, उसके बाद रिहैब सेंटर में आप लोग दे दिए थे, क्या मैडम आपको नहीं लगता है क्या जो रिहैब सेंटर में आप लोगों ने भेजा वो अच्छा काम है? आप लोग जो काम कर रहे हैं वो भी बहुत अच्छा है, क्योंकि आज के डेट में ड्रग्स एक हम लोग हम सभी के लिए एक बहुत चैलेंजिंग है। लेकिन क्या ऐसे आप लोग की तरफ से कभी SP पासीघाट या फिर DC पासीघाट को कभी इन्फॉर्म किया है क्या, किसी को रास्ता में ड्रग्स लेते हुए पकड़ा जाता है तो उसको सबसे पहले पुलिस को बताना चाहिए या फिर डायरेक्ट रिहैब सेंटर में आप लोग भेज देते हैं, इसका कभी आप लोगों ने सोचा है क्या, पुलिस को पहले बताना चाहिए? नहीं नहीं, हम लोग आज तक ऐसा तो कभी ऐसा ये नहीं किया, ऐसा नहीं डाला है जी। और हम इस केस में बोलने से हम उसका पेरेंट्स को हम इंफॉर्मेशन दिया है, फ़ोन में बात किया है, हम खुद बात किए, तीन बच्चा मिला था, तीनों बच्चा का पेरेंट्स को हम बात किए, फोन में बात किया। तो ये जो आप लोग ने जब इसको तीन बच्चा को पकड़ा था वो समय था 6:30 का करीब है टाइम इवनिंग, हाँ, जो हमने जो अपना तरफ से जो हमने केस को हमने छानबीन किया है, और 7 बजे को एक फोन टेलीफोन जाता है जो है ओलिव का माँ को, 7 बजे एक फोन जाता है और वो यूथ जो है आप लोग उसको लेके गए थे कि बच्चा को पकड़ने के लिए, और वही यूथ जो है माँ को फोन करता है 7 बजे, तो वो फोन कॉल जो है वो यूथ को नहीं करवा करके आप लोग प्रेसिडेंट एज प्रेसिडेंट आप तो मम्मी को फोन कर सकते थे, ओलिव के मम्मी को बात हमने किए, अगर कॉल रिकॉर्डिंग अगर निकलता है, वॉइस रिकॉर्डिंग निकलता है, मेरा ही आवाज़ होगा उसमें, हाँ, वो लड़का डायल कर दे, क्यों हम जो बताने मेरा फ़ोन से ऑलरेडी किसी का पेरेंट्स को हम कर रहा था जी। तो लेकिन वो फ़ोन नहीं जा रहा था, नहीं जा रहा, तो हम उसको बोला है तुम डायल करते रहो, तो वो डायल किया, जब रिंग होने के बाद हमको दिया फ़ोन को, हम बात किए नुयांग तसुंग, लेकिन उसको हम लोग कातम तसुंग बोल के, ये किसी को मान सबको पता नहीं होता होगा, तो उसका नाम नुयांग तसुंग, उसका कॉल से हम खुद अपना मेरा आवाज़ में बात किया। तो हमने तो आज ये नुयांग तसुंग को हमने तसुंग को हमने बात किया था सुबह, तो उनका ये मानना था कि 7 बजे को जो है उनके माँ को उन्होंने फ़ोन किया था और फोन में उन्होंने बात किया 1 मिनट का, हमने कॉल रिकॉर्ड को भी निकाला, डिटेल को निकाला, उसमें 1 मिनट का बात किया है, लेकिन ओलिव माँ का ये कहना था कि आपको बात नहीं किया है और वो तसुंग को बात किया है, तो आप बता रही है कि आप लोगों ने बात किया, हम बात किया। अच्छा, इसको फिर हम लोग रखते हैं, आपने कहा कि वो आप बात किया, लेकिन उनका मम्मी जो बोल रहा है कि उन्होंने वो लड़का को बात किया। मैडम, अभी आप लोगों ने 3 को पकड़ा था, वो 3 को पकड़ा था, तो अभी ओलिव को छोड़ करके अभी तो ओलिव वापस दुनिया में नहीं रहे, और 2 लोग जो है वो कहाँ में है अभी जिसको आप लोगों ने पकड़ के जो है रिहैब में दिया होगा? अपना घर में होता है, अभी तो हमको पता नहीं है जी, क्योंकि हम उसका अभी खबर नहीं ले रहे, क्योंकि अभी ये सब इंसिडेंट होने के बाद हम उनको ढूंढ भी नहीं सके ना, वो तो अभी पुलिस को पता है उनके बारे कहाँ में। तो मतलब जब पकड़ के आप लोग ले गए थे रिहैब में ले गए थे, उस समय माँ को बोला था कि आप रिहैब सेंटर में ले जा रहे हैं? जो फ़ोन में बात किया था, हम बोले आपका बेटा को ऐसा ऐसा मिला है 3 मैंने, तो आप हम उसको या तो थाना में देगा या तो ना ये में रिहैब में, तो आप रिहैब में नहीं तो ऐसा बोले, तो माँ बोला है थाना में मत दो, रिहैब में दे दो। तो हम लोग का भी ड्यूटी यही है, करेक्शन करना है, बच्चा को पनिशमेंट देना नहीं है। जो यूजर है वो आज का यूजर कल पेडलर बनेगा, तो ऐसा बोला है तो माँ भी बोला होगा हम कल सुबह मिलने जाएगा।
वही मैडम, आप तो बहुत जानकार वाला है ना, सवाल तो वही में तो अटकता है ना कि आप जब माँ को पूछा है तो सबसे पहले माँ ने रिहेप ले जाने के लिए बोला भी तो आपको पुलिस को पहले इन्फॉर्म करना चाहिए था हिसाब से, क्योंकि पुलिस प्रशासन जो है ड्रग पेडलर को पकड़ता है, ड्रग इस्तेमाल करने वालों को पकड़ता है, क्रिमिनल करने वालों को पकड़ता है, चोरी डकैत करने वालों को पुलिस को पहले इन्फॉर्म किया जाता है। मान लीजिए आपका घर में कोई चोर आया तो आप तो सीधा तो डीसी को फोन नहीं करेंगे ना, आप तो पुलिस थाना में फोन करेंगे कि आज मेरा घर में कोई चोर आया है, तो उसको पहले पुलिस बुला, तो आप वो माँ को जो है रिहेप सेंटर भेजने के बजाय आप पहले पुलिस को बता देते, पुलिस को हैंड ओवर करते तो पुलिस खुद माँ को पूछ लेते, ऐसे आप लोग ने नहीं सोचा, ऐसे सोचा है क्योंकि हम मेरा माँ का तरफ से एज ए मदर हम भी एक विक्टिम है ड्रग्स का, हम भी विक्टिम है, तो हमने सोचा है नहीं रिहेप में दे, क्योंकि ज़्यादातर पब्लिक सोचता है पुलिस में जाने से मेरा बेटा का रिकॉर्ड हो जाएगा, नाम हो जाएगा, वो सोच के हम जब कॉल किया था हम उसको बोला पुलिस थाना में देगा क्या रिहेप में, तो माँ खुद बोले होगा रिहेप में दे दे, तो उन लोग को थाना नहीं चाहिए, माँ ने बोला। हाँ वही इतना लंबा बात हम नहीं किया, पहले भी हम बताए, और हम भी एक पेडल या ड्रग्स का विक्टिम है, हमको पता है घर में क्या तकलीफ है, वही सोच के हम माँ को बोले, और एक ये ड्रग से छूटने के लिए छुटकारा पाने के लिए एग्री है ही तो है एक जरिया, थाना में रखने से भी वो कल को सामान नहीं मिला कल को निकाल दे, वो सोच के तो हम नहीं किया था, लेकिन माँ का तरफ से हम सोच के माँ से हम परमिशन लिया है, माँ बोला होगा रिहेप में डाल, तो हम पेरेंट्स का बात भी सुनना पड़ेगा ना, क्योंकि हम भी माँ हैं। जब तीनों को पकड़ा गया था उस समय वो तीनों के हाथ में ड्रग्स थे या फिर ड्रग्स ले रहे थे, आपके पास कुछ सबूत है? सबूत बोलने से अभी हम जो एक और डिब्बा में, क्योंकि वो ऑलरेडी नशा में था, आंख भी लाल लाल, क्योंकि हम लोग इतना साल से यहाँ काम कर रहे हैं, हमको एक्सपीरियंस है, हम देख रहे हैं, नशा हम लोग का भी तो आपका दाल हो जाता है, लाल होता है, लेकिन वो दारू पीने का होता है, फिर तो ड्रग्स से बोल करके मतलब आप लोग कैसे प्रूव कर लिया कि वो ड्रग्स ही लिया है? वो ड्रग्स ही लिया एक बच्चा का, तो आजकल तो उसको पुशिंग नहीं करते, स्मेक करता है, तो स्मेक करने वाला को अभी मेरा मतलब आइडेंटिफाई कौन करेगा, कोई डॉक्टर होगा या फिर जो आप लोगों को बताया होगा कि ये ड्रग्स लिया हुआ है? वो तो हम ये नहीं, मेरा दिमाग में ये सब आया ही नहीं, हम सीधा बात है क्योंकि हम ये फील्ड में काम कर इतना साल से देख रहे हैं, खुद का घर में भी ये चीज़ को प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं, तो हम आंख को देखा है और उसका एक्टिंग को देख के हमको पता चल गया कि ऑलरेडी ये है, और वो ड्रग्स मने बोलने से वो लड़का का उससे हमको डिब्बा, वो लड़का को डिब्बा फेंकते हुए देखा है मेरा मेंबर जो बाद में आने वाला, डिब्बा को आप लोगों ने बरामद किया? बस वो लड़का को हम पूछा है तुम उसमें क्या, तुम क्या फेंका है बोला, तो डिब्बा फेंका है, तो ढूंढने जाओ बोला, ढूंढने गया लेकिन नहीं मिले, नहीं मिला, फिर नेक्स्ट टाइम फिर उसी को हमने वो सामान, हम सोच दिल में सोचा है डिब्बा में सामान होता होगा इसलिए फेंका है, ढूंढना है निकलना है बोल के मेरा मेंबर और वो जाके फिर ढूंढाए, ढूंढाए तो बाद में लेके आए, तो उसमें ड्रग्स था? नहीं नहीं, हम उसको खोल के देखा उसमें खाली था, खाली डिब्बा था, ड्रग्स का ही डब्बा था। हाँ ड्रग्स का, आजकल उसी में सब लोग ये कर रहे हैं, तो सबको पता है अभी वीडियो में टीवी सब लोग देखता है, उसी में सब पेडलर लोग उसी को लेके ये कर रहे हैं बेचता है, तो अभी उसमें ड्रग्स अगर होता तो हम पुलिस को जरूर हम इन्फॉर्म कर। मैडम आप इस बात को मानते हैं कि नहीं, जब आप किसी बच्चा को जन्म देता है तो बच्चा को छोटा से पाल करके बड़ा करने तक वो बच्चा का एक्टिविटीज को आप जान लेता है अपना बेटा बेटी का, तो ये ओलिव का माँ का ये कहना है कि उनको कॉलेज फाइनल ईयर तक उन्होंने पढ़ाया है लेकिन वो कभी ओलिव जो है कभी ड्रग्स लेते हुए नहीं देखा गया, ना उनका पास कोई बीमारी था, तो माँ ने ऐसे आरोप लगाया ऐसे बोला है, तो एक माँ तो जानता है ना अपना बच्चा को बड़ा तक, आप लोग भी सब माएँ हैं आप लोग भी जानते हैं, तो माँ जो बोल रही है कि मेरा बच्चा कभी ड्रग्स चीज़ गलत चीज़ लिया नहीं है, लेकिन आप लोग ने कैसे प्रूफ कर दिया कि वो ड्रग्स लिया है? नहीं अभी वो हम माँ को हम आर्गू नहीं कर रहे हैं, हम बार बार बोल रहे हैं हम ड्रग्स का विक्टिम है। जी जी नहीं हम समझ गए। नहीं नहीं सुनिए, तो उसमें हम मेरा बेटा कर रहे हैं लेकिन कभी मेरा सामने नहीं किया, हमको पता चलते चलते तो बहुत लेट हो जाता है, दूसरा हमको बताता है तुम्हारा बेटा ऐसा कर रहा है, हम जानते हैं मेरा बेटा लेकिन मेरा सामने कभी नहीं किया आज तक, तो ओलिव का माँ बोलते हैं असली का वो उसको पता नहीं है उसका बेटा करता था कि नहीं करता, लेकिन हमने जो देखा वही किया, क्योंकि हमको कंफर्म है वो किया है, वो नहीं तो डिब्बा क्यों फेंका है ये भी सोचना चाहिए आप लोग ना, उसमें डिब्बा को तो आप लोग ने प्रूफ भी तो नहीं किया ना कि उसमें ड्रग्स था बोल करके। नहीं डिब्बा वो लेके ऊपर से फेंका है तो उसमें तो ऑलरेडी बाहर फेंक भी दिया होगा, फेंक के खाली डिब्बा भी फेंका होगा, उसमें तो हम नहीं बोले उसमें ड्रग्स था नहीं था, कि खाली डिब्बा मिला है और ऑलरेडी नशा में था, आंख तो लाल लाल था, इसको ही हम बोल रहे हैं हम, और ओलिव का माँ को हम ये नहीं बोल रहे
है कि हम उसको काउंटर नहीं कर जी, जी, हम भी बहुत दुख में है, हम सब वासे मदर्स लोग, हम भी रिहेप को मैंने बहुत गाली दे रहे दिल से ना, वो हम वो लड़का को उधर में हमको उसको मार दो भगवान, तू नहीं भेजा है सुधरने के लिए, अच्छा होने के लिए ना। आप लोग ने एक बहुत अच्छा बात बोला है कि आप लोग एक माँ है, ममता का एक प्यार रहता है, तो आप लोगों को तो एक माँ होने के नाते ओलिव को जब आप लोग पकड़े थे उसके माँ के सामने तो उसको ले जाया जा सकता था उसका माँ को, हम एड्रेस मालूम नहीं, एड्रेस मालूम आपको पता है ना, उस दिन ही हमको ओलिव मिला है, एक तीनों में से एक लड़का ऑलरेडी पहले भी हम पकड़ चुका था, दो लड़का को उस दिन ही हम फर्स्ट टाइम मिले, और हम वासे मदर्स ऐसे हमारा तरफ से हम जाति नहीं देखते हैं, धर्म नहीं देखते हैं, कास्ट ये सब नहीं देखते हैं, ये नॉन ट्राइबल ये ट्राइबल नहीं देखते हैं, हम माँ है, ट्राइबल हो या नॉन ट्राइबल आदि तागन गालो जो भी हो, हम माँ है, सब बच्चा हमारा बच्चा है, सबके लिए हम काम करते हैं, हम सिर्फ आदि बच्चा को बचाएगा ऐसा नहीं है, ट्राइबल हो नॉन ट्राइबल, ड्रग्स आदमी देख के नहीं जाते ना, ये ट्राइबल है इसका घर जाएगा, ये नॉन ये ट्राइबल ऐसा नहीं है, हम माँ है, हम हमारा ड्यूटी यही है कि हमको ट्राइबल नॉन ट्राइबल हम नहीं देखता है, अभी बाकी बहुत सारा हम लोग का किया वाला भी है होगा, हम लोग किसी को भी जाति भेद देके हम काम नहीं करते। मैडम ये जो बतौर वसी का आप चेयरमैन प्रेसिडेंट, आप ये जो है आपका जो अभी सेरिन जो लाइफ फाउंडेशन है, एक बतौर चेयरमैन हिसाब से आप कितना बार उस रिहेब सेंटर को विजिट किया? हम 2020 हम डेट को याद नहीं, 22 ऐसा में एक बार गया है जी, तो ऐसे हम गया था मैंने कुछ कवर ये करने के लिए देखने, तो हम उसको बोले अंदर में हम जाएगा हाँ थोड़ा चेक करें, हम बोले तो बोले नहीं नियम नहीं जाने नहीं देते, तो फिर हम तो एडमिनिस्ट्रेशन पावर नहीं है, मर्जी से तो हम नहीं जा सकते हैं, हम मेरा वैसे पावर यूज़ करके किसी का गंत हम जबरदस्ती नहीं घुस सकते हैं, पावर यूज़ करके तो उसको तो पकड़ के तो ले गया, नहीं नहीं उसका हम परमिशन से ले गए, माँ का परमिशन से हम ले गए, हम अपना विदाउट परमिशन हम अपना पावर हम वैसे तुमको ऐसा करके मैंने गलती से भी आप लोग ये मत समझो, जो लाइफ जहाँ फाउंडेशन है वो उसमें एक आदमी का रहने का लायक जगह नहीं है, मैं अभी खुद देख करके आया हूँ वहाँ में, आपको ये गर्मी में अगर किसी बच्चा को रखता है ना वो गर्म से दम तोड़ के मर जाएगा, तो रिहेब सेंटर तो ऐसे होना चाहिए ना जहाँ में हर चीज़ का सुविधा हो, आपको तो ऐसे नहीं लगता है आपका वो बाथरूम खाना खाने का सोने का सब बराबर में है, तो आप लोग इतना अच्छा काम जब कर रहा था तो कम से कम रिहेब सेंटर के मालिक उस समय बोलते कि आप यहाँ पर कोई ड्रग एडिक्टेड लड़का को यहाँ पर बेचने का मौका नहीं दिया जाए क्योंकि जगह अच्छा नहीं है, तो हमने तो देखा है आपका जगह बिल्कुल ठीक नहीं है, तो आप जब रिहेब सेंटर में बच्चा को उठा के ले जाता है तो कम से कम पहले तो जहाँ पर बच्चा को रखा जाता है उसको तो चेक करना चाहिए, और आज का डेट में आप मान के चलिए आपका बगबन ना करे कि कोई हम लोग का कोई बेटा कोई रिलेशन ऐसे देख ना हो, अगर होता है तो मैं तो बोलूँगा कि मैं अपना बच्चा को या फिर अपना बहन या फिर भाई को उस रिहेब सेंटर में तो नहीं रखूँगा जहाँ पर प्रोटेक्शन नहीं है, जहाँ पर खाने का व्यवस्था ठीक नहीं है, जहाँ पर रहने का व्यवस्था ठीक नहीं है, तो कैसे आप लोगों ने उधर मतलब सूझा कि उधर भेजना चाहिए? नहीं ये इसी को तो बता रहे, हम तो अंदर जाके तो नहीं देखते हैं, उन लोग हम बोले क्यों नहीं जा सकते, आप लोग गाइडलाइन का मुताबिक नहीं जा सकते, तो अभी उसको तो हम जबरदस्ती नहीं कर सकते, आपका घर में हम घुसे आप हमको जबरदस्ती घुसने नहीं देंगे, यही है हमारा ये, और मेरा हम उसको वो बच्चा को वहाँ बेच के उसको मराने देंगे ऐसा ये मोटो से तो हम कभी लेके नहीं गए, जितना भी आदमी बोलो ऊपर वाला देख रहे हमने जो किया, क्योंकि ऑलरेडी हम विक्टिम है मेरे, ताकि उसका माँ पिताजी कल को मेरा जैसा तकलीफ ना मिलो वही सोच के हम किया, और वो भी विथ परमिशन बिना, और तासुंग बोलो अभी नुयांग तासुंग बोलो जो भी बोल कॉल टू किया ही है बिना इंफॉर्मेशन का, तो नहीं आपका वॉलंटियर है जो लड़का जो ले गया था नुयांग तासुंग, वॉलंटियर वहाँ से का नहीं है वो, अच्छा वो हम लोग का कुछ कुछ काम कर देते हैं लड़का पकड़ने के लिए, सिर्फ वो नहीं है दूसरा चीज में भी वो ये कर। आपको पता है क्या जो आपका सरिन जो लाइफ फाउंडेशन है ये डीसी के अंतर्गत जो है एफिलिएशन नहीं है, डीसी को हमने पूछा है डीसी बोला है कि अनऑथोराइज्ड ये आपका रिहेब सेंटर है उनका ऑथोराइज मतलब उनका नॉलेज में नहीं है, तो आपको पहले से पता था कि ये डीसी का नॉलेज में है कि नहीं बोला, किसी को पता ही नहीं है वो, नहीं हम लोग को कुछ भी पता नहीं, तो आप लोग एज ए बतौर मतलब वुमेन आपको माँ मदर से सब आपको तो ये देख लेना चाहिए था कि वो रिहेब सेंटर जो है गवर्नमेंट से अप्रूव्ड है कि नहीं, तो इसको आप लोग क्यों नहीं सोचा ना पूछताछ किया आप लोगों ने? नहीं पूछताछ नहीं किया,
उसमें तो साइन बोर्ड भी था, उसको भी हम ध्यान नहीं दिया, क्योंकि हम जो नहीं जानता उसको हम जानते ही नहीं बोले, जो नहीं किया हम उसको किया नहीं, वो सीधा सीधे बोलेगा, जो काम हम किए उसी को हम बोलेगा, और जो चीज़ हम नहीं किया उसको हम एक्सेप्ट नहीं करें, क्योंकि हम किया ही नहीं था। कोई मतलब कोई मैं इसलिए आपको पूछ रहा था क्योंकि हम लोग को कोई दुकान चलाने के लिए सबसे पहले ट्रेनिंग लाइसेंस चाहिए होता है ना, कल को अगर पुलिस आकर के इविक्शन कर देगा या फिर हटा देगा, तो आप लोगों को भी जानकार होना चाहिए था कि ये आपका सेरेन लाइफ फाउंडेशन जो है गवर्नमेंट से एप्लीकेशन नहीं है, या फिर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से उनको जो है परमिशन नहीं था, आपको पहले देखना चाहिए था। अब ये अगला सवाल मैडम ये था कि ये डेथ होने का खबर आप लोगों को कब मिला? हमको 19 फ्राइडे 17 ऐसा कोई दिन में हमको मिला था क्या? मैं डेथ वाई बोल के हमको खबर डेथ वाई बोल। अच्छा, उनका माँ का ये कहना है कि जब आप लोगों ने उनको सेरेन लाइफ फाउंडेशन में जब रखने की बात की, माँ ने कहा है कि ये कागज़ जो आप लोगों ने उनको व्हाट्सअप के जरिए दिया है, तो माँ ने बोला है कि ये कागज़ को साइन किया ही नहीं, तो ये कागज़ कहाँ से निकला है? ये आपका नहीं नहीं आप लोगों का नॉलेज में क्या ये सेरेन फाउंडेशन का है या फिर आप लोगों का है? सेरेन फाउंडेशन का है, हम लोग का कुछ भी कागज़ नहीं, कुछ भी नहीं 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 उसमें मतलब या ये कागज़ ये लिखता है कि मतलब कि आपका बेटा को जो है सेरेन फाउंडेशन में रखता है, मतलब उनके माँ प्रॉपर मतलब ये पेरेंट्स का मतलब परमिशन से, तो माँ ने बोला है कि सेरेन लाइफ फाउंडेशन ने एक कागज़ दिया है, लेकिन ये कागज़ में तो उन्होंने साइन किया ही नहीं बोला, ये साइन कागज़ उनको मिला है, तो आपको इसका नॉलेज है? मैं नहीं, हमको बाद में हमको मालूम है, वो आगे सिग्नेचर किया है वो, तो क्योंकि उन्होंने नहीं किया वो हम पता नहीं, रिएप का अंदर का जो है वो आपको, क्योंकि जिस दिन हम बच्चा को लेके उस दिन हम गाड़ी से भी उतरा नहीं, गाड़ी से उतर के बच्चा को अंदर तो भी लेके नहीं। ये तो अभी सोशल मीडिया में बहुत चर्चा चल रहा है, आपको आइडिया है? नहीं, वो हम मालूम नहीं, मालूम नहीं, क्योंकि इनका जो है सेरेन फाउंडेशन में जो साइन है उसका एफआईआर में जो ओलिव का माँ का जो साइन है बिल्कुल अलग अलग है, मतलब तो इसलिए मतलब ये कागज़ के बेस पे मतलब नहीं बोला जा सकता है कि, तो माँ ने खुद बोला है कि हमने अपना बेटा उसमें भर्ती नहीं किया है, तो आप लोग बोल रहा है कि माँ का नॉलेज में ही लगाया है, लेकिन माँ तो आया है बोले ना, माँ जो है 28 को आप लोग पकड़ा है, 29 सुबह को पहुँचा है, तो आपको ये अंदाजा था कि जो सेरेन फाउंडेशन जो है माँ को 12,000 रुपया मांग रहा है? नहीं, और 12,000 रुपया नहीं है बोले तो 5,000 रुपया मांग रहा है, वो हम मालूम नहीं, मालूम क्यों? अब हम सीधा बोलते हैं 28 इवनिंग का होने का बाद इवनिंग में भी हम लोग रिहेप अंदर भी गाड़ी से उतरा ही नहीं, यही गाड़ी को लेके गया, गाड़ी को दिखा के आदमी को दिखा के चला जाता है? नहीं, अब नहीं मतलब जिसको बच्चा आप उठाता है, नहीं वो बच्चा तीन बच्चा को लेके हम लोग गाड़ी से गाड़ी में हम लोग बैठे नहीं उतरे, वहाँ से लड़का लोग आए आके ले गए, उसका बाद तो हम लोग कुछ भी कनेक्शन नहीं, नहीं ये तो गया भी नहीं। अच्छा बात है ना, लेकिन आप लोग जब लड़का को कनेक्शन करके उधर देता है तो आप लोगों को भी मतलब वसीय के हिसाब से तो एक बार जाके विजिट करना चाहिए ना कि वो लड़का लोग सही मायने में अच्छा है कि नहीं, कैसे खाना पीना खा रहा है, उनका हेल्थ सुधर रहा है कि नहीं, ना उन्होंने ड्रग्स छोड़ दिया कि ना, सिगरेट पीना छोड़ दिया कि नहीं, दारू पीना छोड़ दिया कि नहीं, आपको देखना चाहिए कि नहीं? नहीं नहीं, हम ये क्यों बोलेगा, हम तो नेक्स्ट दिन 22 डेज रहा है आप लोग लगाने के बाद में, नेक्स्ट दिन को हम उसी को भी हम बता दिया सर ऐसे ऐसा कल दिन को तो हम लोग बहुत काम किया था, तो हम सर को हम बोले सर कल ऐसे तीन लड़का मिला था, उसमें सामान नहीं मिला है, ऑलरेडी उन लोग पी चुका था, एक खाली डिब्बा मिला है ना, थोड़ा भांग भी था, तो हम इसलिए पेरेंट्स को इन्फॉर्मेशन करके उनका परमिशन से हम रिहेब में डाल दिया भाई, तो उसी सर ठीक क्या हो जाएगा, उसी भी वही बोला, क्योंकि उसमें हम पुलिस को बोलेगा, पुलिस को तकलीफ देगा, ऐसा नहीं है, कोई कोई हमारा अपना ड्यूटी भी होता है ना, हमको मैनेज क्यों हम परमिशन ले लिया तो अभी उसमें हम थाना में जाएगा, फिर लंबा चौड़ा वही सोच के हम डाला है, और मेरा इंटेंशन तो कभी ऐसा नहीं कि उसको उधर मार दो। तो अभी आपको क्या लगता है ये सेरेन जो लाइफ फाउंडेशन के लोगों को मतलब ओलू का गलती है या फिर आप लोगों का गलती है या फिर ओलिव का पेरेंट्स का गलती है, आपको क्या लगता है? क्या चीज़ के लिए मतलब जो अभी हमारा बीच में एक नौजवान जो है आज के बीच में हमारा बीच नहीं रहा क्योंकि आप लोगों ने उसको उठाया था, और दूसरा जो है सेरेन लाइफ फाउंडेशन में रिहेब सेंटर में रखा, और माँ पिताजी, तो अभी उनका डेथ का जिम्मेदार आपके हिसाब से कौन होगा? आप लोग भी सोचते, पब्लिक भी सोचना है, वह
रिहेब का अंदर तो वहाँ में क्या कर रहा हमको पता नहीं, तो अभी वहाँ से डेथ निकला है तो इसका अभी अंदर में हमको पता नहीं, अभी मरना दे दो ना, तो रिहेब का गलती है, इसमें कैसे हमारा नाम आए? हम तो अच्छा काम के लिए, वो बच्चा को सुधरने के लिए, अच्छा होने के लिए हम डाला है, हम तो उसको मारो बोल के तो नहीं भेजा है, तो अभी जो मारा है जो मारदर के उनको करना चाहिए, अभी हमारा ऊपर एलिगेशन, तो हम अभी उसको क्या बोले? मतलब रिहेब सेंटर का मालिक को पता है आपको? नासन बोरा। तो उनके अंदर में कितने लोग काम करते हैं? वो हमको पता नहीं। तो आपको लगता है कि मतलब जितना सारे लाइक फाउंडेशन को जो लोग चला रहता है सबको मतलब कानूनी तौर पर मतलब उनको गिरफ्तार किया जाना चाहिए? कर ही रहे अभी ना, कर रहे हैं, कर ही रहे ना। कितने लोगों ने किया अभी तो हम अपडेट नहीं किए, क्योंकि हमको अभी जहाँ तहाँ से भी फोन आ रहा है ये कर, हम अभी ये सब ये नहीं, हम हमको अपडेट नहीं हो के मैंने हम इतना किया हम नहीं बोल सकते, जो मेरा नॉलेज में नहीं वो नहीं, हमको सुना है उन्होंने इतना इतना डाका उस दिन पकड़ा था, 11 ने कितना पकड़ा है, अभी कितना और पकड़ा हम मालूम नहीं, हम खुद का आंख से नहीं देखने वाले इस चीज़ को, हम सोशल मीडिया में बोलने दिल नहीं। हाँ मैडम, मेरा एक आखिरी आपसे सवाल यही है कि आपको नहीं लगता है कि, मैंने शुरू में भी पूछा, ऐसे काम को करने के लिए आपको पुलिस का सहयोग लेना चाहिए, क्योंकि कानून को हम ना आप खुद ले सकते, हाथ में ले सकता, ना मैं खुद ले सकता हूँ, क्योंकि कानून हमारा हमसे अलग काम करता है, जो भी चोरी डकैती हो, क्राइम क्रिमिनल हो या फिर ड्रग्स लेता हो, ये सब को कानून देखती है, लेकिन आप लोगों का जो एनजीओ जो वासे है ये लोग सीधा पकड़ के पुलिस को परमिशन, अरे पुलिस को मतलब पूछताछ नहीं करना, उनको जो है नहीं देना, ये क्या आपको लगता है सही है? सामान अगर उनका पास सामान होता है तो हम, मेरा इन्फॉर्मर सामान होने से भी तो पुलिस को देना चाहिए। नहीं नहीं सुनिए ना, जब इन्फॉर्मर हमको बोलता है उनका पास सामान है बोलने से, हम पुलिस को, पुलिस आ जाते स्पॉट में, आके पुलिस ही ले जाता है, हम साथ में होता है, पुलिस काम करता है, और हम लोग का हाँ सामान नहीं मिला है तो अभी उसको पुलिस को भी बुला के एक वो होता है, मतलब अभी उसको बोलने क्या बताएगा ना, उनका पास सामान नहीं है तो हमने सोचा है हाँ पेरेंट्स को कवर करते हैं, इसको हम करेक्शन के लिए, उसको सुधरने के लिए परमिशन लेकर हम रिहेब में डर, और हम पहले भी बोला है आजकल हम लोग का सोसाइटी में ये है, ट्राइबल सोसाइटी में इसका बच्चा ड्रग्स ले आया बोले शर्म होता है ना, मैंने आदमी को जानने देने दिल नहीं होते, मेरा बेटा ड्रग्स करता है बोले, तो बोला है उन लोग वही उसी मेरा सोच भी है, और सब हर कोई भी यही बोलेगा, मेरा बेटा पिता हम नहीं छुपा रहे, क्योंकि हम ये इसको ग्राउंड में चुका है, काम कर रहे हैं, जेल रहे ना, इसलिए हम नहीं छुपाते, क्योंकि हम अपना एग्जाम्पल लेके हम दूसरा को अवेयरनेस में भी बोलते हैं कि मेरा जिसे तकलीफ नहीं, इसलिए हम पुलिस हमको, पुलिस को हमेशा हमको कोऑपरेट करता है, और पुलिस भी हमको कोऑपरेट करता है, और हम तो पुलिस को ये नहीं उसमें नहीं दिया बोल के, हम पुलिस को गलती नहीं, अगर उस दिन देता तो मुझे लगता है कि शायद ये ओली मुखर्जी आज शायद जिंदा रहते, आपको नहीं लगता? हम तो क्योंकि आप जो दोषी तो अभी तो आप सेरेन लाइफ फाउंडेशन को दे रहे हैं ना, क्योंकि गलती तो वहाँ से हुआ है, आप लोगों ने तो दे दिया, लेकिन जो सच में अगर ये सोशल मीडिया में जो मारने का जो जो मतलब जो अभी फैल रहा है जो सोशल मीडिया में, ये सच में अगर मारा है तो ये सरेन फाउंडेशन को जाता है कि नहीं, आपको क्या लगता है? शुरू में भी पूछा, मतलब आप जो पूरा दोषी जो है सरेन लाइफ फाउंडेशन को देना चाहते हैं गलती? हाँ क्यों नहीं, हम तो उसको मारने के लिए नहीं भेजा है ना, मरा तो बच्चा तो वहीं से ना, मर्डर तो उधर से ही हुआ है, हम तो अच्छा खासा बच्चा भेजा था, हम तो उसको मारो बोल के भी नहीं भेजे, तो वहाँ से तो उसका बॉडी निकला है, हम तो और इसमें हम लोग क्योंकि ऐसा बातचीत ये हम इतना नहीं जानते, एक्सपर्ट नहीं है बोलने के, झूठ भी हम बोलने दिल नहीं, हम जो काम किए जो फील्ड में वही बोले, झूठ बोल के भी हमको क्या मिलेगा, ऊपर वाला देख रहे हम क्या सोच के काम किए, हम किसी का बच्चा को मर्डर करें, और हम बार बार बोल रहे हम वहाँ से कभी भी जाति धर्म नहीं देखते, हम माँ है, माँ का ड्यूटी करते, पासीघाट के ही नहीं पूरे अरुणाचल के लोग आज के समय में ये सोच रहे हैं कि वसे जो पासीघाट में जो आप लोग चला रहे हैं कहीं ना कहीं इनका भी गलती है, क्योंकि आप लोग अगर नहीं उठाते शायद आज ये इंसिडेंट नहीं होता। अरुणाचल के तमाम लोगों को आप अपने तरफ से क्या मैसेज देना चाहते हैं, जो अभी आप लोगों को गलत सोच के बेहतर है उनको आप क्या कुछ मैसेज देना चाहते हैं? अभी अभी जितना देखने वाला है हमको गाली दे रहे हैं, हमारा वसे को गाली दे रहे हैं, लेकिन कहानी को एक वन साइडेड सुन के नहीं बोलना, क्योंकि हम बार बार बता रहे टेलीफोन रिकॉर्ड है, कॉल मैंने अभी सीडीआर निकल गया होगा, अभी मेरा ट्रू कॉलर में भी है, माँ से हम बात किया है विथ परमिशन, सिर्फ एक बच्चा नहीं है, तीन बच्चा लेके गया विथ परमिशन, बोला है थाना रिहेब बोला है, तो माँ ने स्वेस किया रिहेब,
रिहेब बोले इसलिए हम रिहेब लेके गया तो बोला है कल सुबह हम खुद आके मिले। वो बोला है अभी विक्टिम जो माँ मर बच्चा मर गया वो माँ के लिए हम भी बहुत डूबने हैं। अभी हम बोले से हम अभी क्या बोलेगा, रिहेब से तो निकला है ये, हम तो रिहेब में वो बच्चा को मार दो बोल के तू नहीं भेजा है, और उससे वो बच्चा से और उसका माँ से किसी से मेरा कोई दुश्मनी भी नहीं है, और मेरा दुश्मन का बच्चा को भी हम ऐसा नहीं बोलेगा ना मार दो बोल के। इसलिए पब्लिक लोग कोई भी नहीं सोच, हम वो बच्चा को सुधरना चाहता था, वो पी रहे पीते हैं तो हम सोच माने हम सिर्फ नहीं है, हर कोई भी ये चाहेगा कि उसका वो बच्चा पीने वाला को पनिशमेंट से पहले उसको करेक्शन करके देखना है ना, करेक्शन करना भरा बात है। अपना बच्चा को भी हुई है, मारने से पहले हम गाली देगा ना, तुम ऐसा करता ये मत करो, वही है आप लोग सोच खुद भी सोच के देखे। हम तो सरेन फाउंडेशन में ये बच्चा को तुम लोग मार दो बोल के हम नहीं दिए, हम उसको करेक्शन के लिए भेजा है। आज का यूजर कल का पेडलर, अभी सिर्फ ईस्यांग में नहीं अरुणाचल में कॉर्नर कॉर्नर में हर कॉर्नर में अभी पेडलर है। हम दिल दर्द होके ईस्यांग से हम ये काम करने के लिए हम निकले ताकि हमारा आने वाला सोसाइटी का हमारा जो पोता पोती उसका माने अच्छा दिन हो। अभी जो हम लोग जेल रहा वो बाकी लोग नहीं जेल रहे वही सोच के हम लोग ये काम कर रहा था। तो अभी उन लोग हम लोग को बोल रहे थे अभी हम उस इससे आगे और क्या बोले, हम तो किसी को उधर मारने के लिए नहीं भेजा है, तो आप लोग ही ये कर और कानून अभी काम कर रहे पुलिस काम कर रहे, अभी कानून से पुलिस उससे निकल जाएगा मैंने किसका क्या गलती है यही है। चलिए ये था वसे का जो टीम हम पसीघाट पहुँचे हुए हैं और इस केस की हम भी तहे से जानकारी लेने के लिए तहे से हम लोग जांच करने के हम टीम अरुण भूमि की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि एक नौजवान का जान जो है अचानक जो है चला जाता है तो उस परिवार पर क्या बीत रही होगी तो आप लोग समझ सकते हैं। लेकिन हमने वो तमाम सवाल हमने किया है क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि जो वासी जो कर रहे हैं वो अपने आप से अपने तरफ से वो सही है, लेकिन जब हम उस रात की जब हम जिक्र करते हैं ना मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ये चीज़ जो है पुलिस को इंफॉर्मेशन करनी चाहिए, क्योंकि पुलिस जो इसीलिए होती है कि हमारे रक्षक यानी हम लोग बोलते हैं ना हमारे रक्षक है क्योंकि हमारा सेवादार पुलिस होते हैं, तो पुलिस के काम को यानी पुलिस के जो कानून होता है उसको अपने हाथ में लेना ये अपने आप में समझने वाली है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि सरेन लाइफ फाउंडेशन जो है बिना डीसी के ऑथोराइज में बिना सरकार के ऑथोराइज में कितना साल से कैसे रिहेब सेंटर चला रहे थे ये अपने आप में सवाल है। अगर उस घर को आप देखेंगे ना मुझे नहीं लगता है कि वो इंसान रहने का लायक है, क्योंकि आज के डेट में इतना गर्मी में उधर रह पाना मुश्किल हो जाता है। लेकिन वो सारे सवाल हमने वैसे से भी किया है और अभी जो है ये जितना जो केस है ये जो है अभी पुलिस के जांच के दायरे में है और जो हम लोग बोलते हैं ना न्यायालय के जांच के दायरे में है। अब देखना ये होगा कि ये केस जो है कहाँ तक जाता है और किस मोड़ में ये केस को खड़ा करता है ये देखने वाली बात होगी। हम लगातार ये कोशिश कर रहे हैं कि जो इस केस को लेकर के ओलिव जो मुखर्जी है उसके केस को लेकर के हम पुलिस से भी पूछने की कोशिश कर रहे हैं या के वसे टीम से भी कोशिश कर रहे हैं, उसके बाद जो जिसका बेटा जिन्होंने खोया है उस परिवार से भी हम कोशिश कर रहे हैं। अभी हमारे साथ जो है वसे की टीम का उनसे हमने सीधा सवाल किया है। अब देखना ये कि ये केस कहाँ तक जाता है, उसके बाद यदि जो ओलिव जो है मुखर्जी है उनको गलत तरीके से मारा गया है या उनको टॉर्चर किया गया है तो क्या आने वाला समय में उसको जस्टिस मिलेगा, ये अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है। क्योंकि वसे के ग्रुप ने भी ये कह दिया है कि कहीं ना कहीं ये जो है सरेन लाइफ फाउंडेशन का जो है गलती है, क्योंकि उन्होंने ड्रग पेडलर या होता है या फिर जो ड्रग इस्तेमाल करता है उनको जब पकड़ के किसी रिहेब सेंटर में देता है तो मारने के लिए नहीं देता है, वो सुधारने के लिए दिया जाता है। लेकिन वो घटना जो है पूरा पसीघाट को जो है जगजोर कर दिया है कि ऐसा और कितना रिहेब सेंटर होगा जहाँ पर हमारे बच्चों को जो है सुधारने के लिए रखा जाता है लेकिन उस पर जो है टॉर्चर किया जा रहा होगा, ये अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है। लेकिन हम उम्मीद ये भी करते हैं कि वसे जो है आने वाला समय में ऐसे अच्छा काम जरूर करे लेकिन पुलिस के साथ जरूर करना चाहिए। यदि उस रात को पुलिस को भी शायद बता दिया होता शायद ये आज का घटना मुझे लगता है कि शायद ना और ऐसे एक माँ को जो है अपना नौजवान बेटा को खोना नहीं पड़ता। इसको भी समझना होगा कि गलती कहाँ से हुआ है, लेकिन हम तह तक जाने की कोशिश करेंगे कि ये केस कहाँ तक जाता है, क्या ये हाई प्रोफाइल केस है या फिर क्या है,
हम भी कोशिश करेंगे आप तक लगातार पहुंचाने के लिए, समाचार पहुंचाने के लिए। मैडम हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग ऐसे ही काम करते रहेंगे, लेकिन आपको भी ज्ञान बहुत देना है, क्योंकि आने वाला समय में हो सकता है कि आप पर भी बहुत बड़ा सवाल उठेंगे आने वाला समय में। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।